सॉरी पुलिस वाले अंकल जी आ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे मुझे भी पता नहीं है, पकड़ डाले। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, फिलहाल हो चुका है तीसरा दिन बांग्लादेश ट्रिप को, और कल रात में अपने एक अवसर पर होस्ट के पास में रुका हुआ था, तो उन्हीं के पास स्टे किया था। आज का क्या प्लान रहता है ढाका साइड का, कौन सी जगह एक्सप्लोर की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ब्लॉग तक बने रहें। तो फिलहाल हो जाते हैं अभी रेडी, फ्रेश फ्रेश होकर निकलते हैं यहाँ से अभी। तो चलिए गाइस, फिलहाल मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और अभी फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, लगभग 8:30 का टाइम हो चुका है। तो ये कुछ नज़ारा है सिटी का जहाँ पर मैं अपने होस्ट के पास रुका हूँ। ठीक है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं अभी ढाका साइड में क्या प्लान रहता है सिटी का, थोड़ा जगह को जो जो आपको दिखाया था लाल बाग जैसी जगह का, तो क्या प्लान रहता है उस जगह पर, कहाँ पर जाना होता है। तो रेहान जी से बात कराते थे, अभी मिलते हैं उनके साथ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए, तो रेहान जी चलते हैं। ओके, एनी सजेशन जस्ट रेहान जी, हाउ मैनी पीपल इन योर फैमिली? ओनली फॉर सिंगल एंड टोटल फैमिली? या रेहान जी की फैमिली में रेहान जी है और उनकी मम्मी पापा है, जो कि काफ़ी कल रात को उन्होंने उनसे मिलना तो प्रॉपर नहीं हो पाया था, उनसे बातचीत वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो काफ़ी अच्छा किया था। और डिनर वगैरह उनकी मम्मी ने ही रेडी किया था कल रात को, जो कि काफ़ी अच्छा लगा था खाने में। तो चलिए फिलहाल गाइस, जो है रेहान जी की जो फैमिली थी उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लास्ट नाइट काफ़ी अच्छी उनके साथ बातचीत होती रही, उनसे कुछ एक्सपीरियंस लिया कैसे कैसे उन्होंने काउचसर्फिंग को यूज़ किया और कैसे कैसे वो होस्ट करते हैं सारा सब कुछ। और ट्रिप के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी कि आपको बांग्लादेश किस साइड में ज़्यादातर ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ से आपको कुछ स्टोरी वगैरह मिलेगी। तो उन्होंने यही बताया कि थोड़ा सिटी साइड में आपको फेमस प्लेसेस देखने मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टोरी वगैरह कवर करना चाहते हैं तो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा आपको। तो मेरा ही प्लान वही है कि आउट ऑफ सिटी जल्द से निकला जाए, क्योंकि कल काफ़ी सिटी में घूम चुके थे ऑलमोस्ट। मैंने आज का भी दिन जो है प्लान किया हुआ है कि मैं सिटी के अंदर घूमूं और जो जगहें हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूं, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं आउट ऑफ सिटी से घूम कर आऊँगा तो निकलना मेरा ढाका शहर से ही होगा। तो सोच रहा हूं कि आज के लिए यहां पर ट्रैवल कर लेता हूं, उसके बाद मैं ढाका शहर में दोबारा आ जाऊँगा, तो ये प्लान है मेरा। तो चलिए अभी निकलते हैं फिर यहाँ से और मिलते हैं, क्या रहता है प्लान का। तो फिलहाल अभी जो है रेहान जी लेकर आए हैं लोकल फूड, जो कि मिठाई है, उन्होंने बताया यहाँ के लोकल है, लोकल है यहाँ का लोकल, या इट कॉल्ड इट, वी कॉल्ड इट हलवा, हलवा हलवा। ओके ओके, तो उन्होंने बताया हलवा, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या है, काफ़ी टेस्टी है। तो ये रेहान जी ने कश्मीर में विजिट किया था इंडिया साइड में 2019 में, और ये उनका शिमला वाली पिक है, और ये बांग्लादेश की लगे हुए सिलेट की और कॉक्स बाजार रंगामती की पिक है। तो उन्होंने विजिट किया था ओनली फॉर ट्रैवल, स्टूडेंट वीज़ा, ओके ओके, तो टूरिस्ट पर्पज से उन्होंने वीज़ा लेकर गए थे यहाँ से। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। तो चलिए फिलहाल गाइस, जो है रेहान जी का ये अपार्टमेंट था ऊपर, केबिन खराब में निकाल लो नीचे के लिए, और उन्होंने फाइनली मेरे को ये भी कहा है कि अगर आज रात आपका नहीं हो कहीं पर रुकने का प्लान तो आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वन नाइट के लिए इन्वाइट किया हुआ है, तो आप दोबारा ही विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल बाहर निकल के बातचीत करते हैं फिलहाल। तो चलिए फिलहाल जो है मॉर्निंग टाइम में अपना चाय वगैरह चल रही है और उसके बाद निकलते हैं, कहाँ के लिए जा रहा हूँ मैं भी बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैंने ये लिया है चाय वगैरह और केक वगैरह, तो करते हैं इसको फिर मिलते हैं आपको। तो फिलहाल मैं चढ़ गया हूँ एक बस के अंदर, जो कि बस मैंने आपको दिखाई डबल वाली बस जो ऊपर वाली होती है, देखो नीचे से, इसमें चढ़ चुका हूँ। किसी ने मेरी हेल्प करी थी, मैंने एक जगह जो है लोकेशन फाइंड कर ली थी, मतलब पता कर लिया था कि लास्ट पॉइंट क्या है इस बस का, और मैंने एक मॉस्क को देखा है, दिखाऊंगा मैं जब जाऊंगा वहाँ पर, नाम अभी प्रॉपर नहीं पता मुझे उसका, तो उसके लिए मैंने किसी से हेल्प ले ली इंग्लिश में बात करके। तो उनके फादर मतलब उनके दादा परदादा जो इंडिया के रहने वाले थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया था कि कितने का टिकट वगैरह, तो 15 रुपये का टिकट मेरे को मिला है, लगभग होगा 8-9 8-7-8 किलोमीटर का डायरेक्शन होगा,
तो अभी मैं जा रहा हूँ और बस का कर रहा हूँ फिलहाल मैं राइट, जो नीचे से दिखाऊंगा जब मैं निकलूँगा यहाँ से। अभी तो देखो ये डबल बस है, जो एक बस के ऊपर एक बस नहीं थी, मैंने कल आपको राइट वाली दिखाई थी, वही वाली बस है। ड्राइवर भैया जो है नीचे वाली है उसमें बैठे हुए हैं। तो वही बस के सामने का व्यू पॉइंट ये है और बस गई रुक क्योंकि ट्रैफिक में गई फंस। तो चलो फिर नीचे चलते हैं, अभी फिलहाल यहीं से उतर जाता हूँ। तो ये है भाई हिसाब किताब उतरने चढ़ने का, ये थी भाई डबल डाउन पास। पैदल निकल जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है भाई, और बस देखो बंद हो गई है, बंद कर ली, कितना ट्रैफिक है भाई। तो जस्ट मैं लेफ्ट साइड में जाने वाला हूँ, मैंने इस मॉश को देखा है, दिखाऊंगा मैं अभी, वहीं के लिए निकल रहा हूँ। उसके बाद एक मंदिर और देखा है, मंदिर पे जाऊंगा। तो मैंने बस हायर कर ली थी, मैंने कहा चलो भाई, मैं अचानक से चढ़ गया था, मैंने कहा जो भी होगा ज़्यादा बड़ा फेर थोड़ा ना होगा, बस में से चढ़ रहा हूँ मैं, और ले भी लेंगे 10-50 रुपये तक का जा रहा। तो मेरे को स्टेशन का उसका बस स्टैंड का नाम मालूम नहीं था, तो मैंने एक जो वहाँ पर बैठे हुए थे बस के अंदर, मैंने उनसे हेल्प ले ली थी, और हेल्प पे चलते ही जो है मैं बस के अंदर आ गया सवार होकर। तो चलिए इस तरीके से अपना काम बन जाता है, अभी बातचीत कर लो किसी से, तो अभी निकल रहा हूँ। देखो अपने को जाना है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बना तो बस जो खड़ी रहती है, देखो कितना जाम लगा हुआ बहुत मॉर्निंग टाइम से ही, बस समझ लो कि कोई दिल्ली जैसा ही है अपना, काफ़ी बड़ा वो है, इसलिए ये फ्लाई ओवर जो बन रहा है वो है उसका मेट्रो का, जो मैं आपको बता चुका था जून के महीने में चालू हो जाएगा। लोकल एरिया है ये, तो वही फिलहाल कुछ दुकान पर से देख रहा था, अगर अपने मतलब का कुछ मिल जाए तो सोच रहा था कुछ खरीद लूँगा। एक मेरे को चाहिए था पॉकेट कुछ रखने के लिए छोटा सा, वो मिला नहीं है, तो मैं आ गया हूँ फिलहाल। और ये लोकल मार्केट है यहाँ की, अभी आज मैं निकला हूँ लगभग 10-10:30 बजे के बाद, तो सारी मार्केट जो है ओपन है इस समय फिलहाल। तो चलिए आपको भी दिखा दी मैंने ये मार्केट वगैरह, जगह का एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कहाँ पर हूँ, वैसे ढाका सिटी के अंदर ही हूँ समझ लो। तो अपने को जाना है उस पार, जो कि रास्ता तो यहाँ से ब्लॉक है, तो ब्रिज चढ़ के जा रहा हूँ मैं, और ब्रिज के ऊपर से दिखाता हूँ मैं ढाका सिटी का मॉर्निंग टाइम का नज़ारा। फिलहाल तो इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ रहा है भाई। तो ये है भाई ढाका सिटी शहर का कुछ नज़ारा ऊपर से ब्रिज के। मैं जा रहा हूँ बेतुल मुकर्रम नेशनल मॉस्को के लिए, द्वारा नाम नहीं बताऊँगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बस समझ लो नेशनल मॉस्को के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से दिखाऊँगा अभी ऊपर, दिख चुका है यहाँ पर, देख सकते हैं अभी। तो अभी मैं उस पार जा रहा हूँ, चलते हैं इस साइड से होते हैं एंटर, नीचे उतर जाते हैं फिलहाल। चलिए ये है मार्केट ढाका शहर की। मैंने यही वाला पॉइंट देखा था तो मैं बस पकड़ के यहाँ तक आ चुका था, वहाँ पर उतर गया था मैं लोकेशन के हिसाब से। और ये लगी है मार्केट यहाँ पर बराबर में। तो ये है फिलहाल बेतुल मुकर्रम नेशनल मॉस्को, सॉरी पुलिस वाले अंकल जी आ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे मुझे भी पता नहीं है, पकड़ ना ले। चलिए फिलहाल दिखा दें आपको और ये देख लेते हैं उनसे क्या क्या बोलते हैं वो। चलिए कहा तो उन्होंने कुछ नहीं है, तो मुझे किसी ने बताया शायद ये कोई स्कूल है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी है बताया था, मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है। अभी क्या है ना, मैं इसलिए किसी को होस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यार किसी को हिंदी आए तो प्रॉपरली, तो मुझे जगह के बारे में गाइड कर दे। जो कल रात के मेरे होस्ट थे उन्हें इतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता था, तो कन्वर्सेशन में वही प्रॉब्लम आ जाती है, अगर परफेक्टली तरीके से मुझे इंग्लिश आए तो वही कोई दिक्कत नहीं होगी, अब वही बात होती है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो चलिए दिखा चुका हूँ मैं आपको, और किसी ने सजेस्ट भी करा था ये जगह मेरे को फेमस, तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल, विजिट कर चुका हूँ। तो फिलहाल गाइस जो है भैया ने हेल्प करी थी, उन्होंने बताया था कि ये मस्जिद है, और उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सिटी नहीं है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो फेमस प्लेस है यहाँ का, तो इसलिए मैं विजिट करने आया, और भैया से मिल के भी काफ़ी। थैंक यू, हाय बोल दो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, या थैंक यू। चलिए उन्होंने काफ़ी हेल्प करी बताने में,
तो चलते हैं अभी आगे, और अभी कहाँ का प्लान है बताता हूँ आगे चल गई। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।